हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको वाराणसी एआरओ की जो प्रोग्राम है भर्ती का, उस भर्ती के बारे में बताऊंगा आपको। जो एआरओ के अंतर्गत जितने भी ज़िले हैं उन ज़िलों की भर्ती का प्रोग्राम आ गया है। जो भी कैंडिडेट आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं एआरओ वाराणसी के अंदर, वो सभी इस वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा देखने की कोशिश करें। साथ ही इसको यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली जो भी समाचार होगा मैं आपको बताते रहूँगा। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का वीडियो है और इसका पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कार्रवाई होनी है। तो ये भर्ती है एआरओ वाराणसी के अंदर, जो कि यूपी का, उत्तर प्रदेश का ज़िला है। तो एआरओ वाराणसी सेना रैली भर्ती सितंबर 2020, ये भर्ती कोरोना की वजह से काफ़ी लेट हो गई है। यह है जिन ज़िले मतलब यानी इसके अंतर्गत जो ज़िले आने हैं वो हैं संत रविदास नगर, सोनभद्र, गोरखपुर, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, जौनपुर, देवरिया, बलिया, मऊ और भदोही। ये जगह हैं जो इनके बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके अंतर्गत होने वाली जो भर्तियां हैं वो हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी, जीडी की, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, एसकेटी इत्यादि। आप इसके अभी बात करते हैं आपके एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें जीडी के लिए 17.5 साल से लेकर 21 साल और टेक्निकल और ट्रेड्समैन क्लर्क एसकेटी 17.5 से 23 साल रखा गया है। और सोल्जर एनए बी फर्मा इसका 19 to 25 है, यानी 19 से 25 साल रखी गई है। ज़्यादा जानकारी इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको पूरा विस्तार से दिया हुआ है। अभी इसका कार्यक्रम स्वीकार है, ये ऑनलाइन पंजीकरण आपको 25/9/2020 से शुरू हो जाएगा और 8/11/2020 तक एप्लीकेशन भर सकते हैं आप। एडमिट कार्ड आपको 9/9/2020 से लेकर के 14/9/2020 तक मिलेंगे और भर्ती का कार्यक्रम है 15/9/2020 से लेकर के 5/12/2020। ये है इसका प्रोग्राम। एक बार दोबारा बताता हूँ, जो ज़िले हैं जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, गाजीपुर, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, देवरिया, बलिया, ये ज़िले हैं इसके। अभी इसमें जो कार्यक्रम होना है, क्या क्या कार्रवाई करनी है आपको, वो इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट आपको joinindianarmy.nic.in पर जा करके आपको लॉगिन करना है, यानी अपना फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपका उसका एक प्रिंट आउट ले लें। फिर जैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, उस एडमिट कार्ड को अपने डॉक्यूमेंट साथ ले करके भर्ती स्थल पर जाना है। वहाँ पर आपका फर्स्ट आपका होता है रनिंग, 1.6 किलोमीटर रनिंग है जो साइट नंबर की होगी। इसके बाद आपका आता है बीम, 10 बीम हैं जो 40 नंबर के होंगे, जिग जैग और आपका जिसको बैलेंसिंग बोलते हैं और 9 फिट डिच। इसमें पास हुए बच्चों का होगा फिर मेडिकल, इसे पूरा आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन पूरा। डॉक्यूमेंटेशन बाद फिर मेडिकल होगा। मेडिकल में जो बच्चे अनफिट हो जाते हैं उसका री मेडिकल होता है, जो डेट दे दी जाती है हॉस्पिटल में जा कर के, फिर रिटन टेस्ट और लास्ट होता है मेरिट। यह है आपका पूरा प्रोग्राम। अभी शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं, तो शैक्षिक योग्यता आप जो कैंडिडेट सोल्जर जनरल ड्यूटी में भर्ती होना चाहते हैं उनका न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, जो कि 33% अंकों के साथ में पास हुआ और 40% अंक टोटल एग्रीगेट। इसी प्रकार टेक्निकल के लिए PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ में आप 12th पास और मिनिमम 40% अंक और ग्रेड 50%। इसी प्रकार क्लर्क और SKT के लिए भी 10+2 यानी 12th पास। और यदि नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती होना है तो आपको PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मैथ ना होकर के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है, यानी मैथ की जगह आपको बायोलॉजी चाहिए यदि आपको नर्सिंग असिस्टेंट में जाना है तो। और ये है आपका क्वालिफिकेशन। ट्रेड्समैन के लिए 8वीं पास और 10वीं पास, मिनिमम 33%।
मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ट्रेड्समैन और जीरी ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि आप ट्रेड्समैन भर्ती होना चाहते हो तो सच्चा तो है आप जीरी में भर्ती हो, मगर ट्रेड्समैन उन्हीं के लिए ठीक है जो आप एवरेज हो रहे होने वाले हैं, किसी से ज़्यादा ये जो गई आपकी कम पड़े हैं तब तो ट्रेड्समैन ठीक है, वरना आप जीडी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई करें। इसके बाद अभी आता है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेकर के जाना है, तो वो डॉक्यूमेंट हैं आपके, सबसे फर्स्ट आता है आपको 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास के पूरे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद उनका फ़ोटो कापियाँ, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चरित्र प्रमाण पत्र सरपंच का और स्कूल का, पुलिस सत्यापन, जाति प्रमाण पत्र, निवास स्थान प्रमाण पत्र, अविवाहित सर्टिफिकेट, यानी आप अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है कि आपका शादीशुदा नहीं है आप, उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट यदि है तो। अभी छूट की बात करते हैं, तो छूट उन कैंडिडेटों के लिए है जो उसके बच्चे यानी पिताजी फौज में भर्ती हैं, फौज में नौकरी कर रहे हैं, उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर, वजन में 2 किलो छूट होती है। सेम स्पोर्ट्समैन के लिए भी इसमें छूट है। और अभी बात करते हैं एनसीसी वालों के लिए, तो एनसीसी वालों के लिए क्या है इसमें हाइट और वेट उसमें कोई छूट नहीं होती है। उनमें क्या क्या होता है, आपका जो टेस्ट होगा, टेस्ट में आपको बोनस मार्क दिए जाते हैं, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको जीडी के अंदर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। और यदि आप पास में सी सर्टिफिकेट है, साथ ही आपने रिपब्लिक डे में भाग लिया है, तो आपको किसी भी टेस्ट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। यह है आपका एनसीसी का फ़ायदा। और ए और बी सर्टिफिकेट वालों को 5% और 10% की बोनस मार्क दिए जाते हैं। अभी बात करते हैं स्पोर्ट्समैन का, तो स्पोर्ट्समैन में भी स्कूल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल और नेशनल लेवल तक खिलाड़ियों के लिए काफ़ी छूट दी जाती है, और उनका स्पोर्ट्स कोटा में भी मतलब भाग ले सकते हैं। यदि जो बच्चे स्पोर्ट्स कोटा में भाग लेते हैं उनको भी बोनस मार्क दिए जाते हैं अलग से, तो वो भी बहुत ज़रूरी है यदि आपके पास में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। मगर एक बात के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे एनसीसी क्वालिफाइड नहीं है या एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है या स्पोर्ट्समैन नहीं है, वो किसी भी मीडिया से या किसी तरीक़े से एजेंट के थ्रू ये सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो उन कैंडिडेटों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ऐसा हेरा फेरी ना करें, क्योंकि बाद में आप पकड़े जाएंगे और 400 में आप फंस जाते हैं, फिर आपका ज़िंदगी बर्बाद है। नौकरी तो गई आपकी हाथ से, मगर आप नौकरी जाने के साथ साथ आपका जीवन भी बर्बाद हो जाता है, इसलिए गलत काम में ना पड़ें, किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, कोई भी एजेंट आपको नौकरी नहीं दे सकता। अभी बात करते हैं आपका जो जीडी के अंदर भर्ती होते हैं उनको रनिंग और बीम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जितना नंबर आप रनिंग में स्कोर कवर कर लोगे, यानी 60 नंबर का रनिंग है और 40 नंबर का आपका बीम है, 100 नंबर का है, आप यदि रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 60 नंबर मिलते हैं, और 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 45 तक 48 नंबर मिलते हैं, तो ये नंबर काफ़ी अंतर हो जाता है। इसके साथ में बीम का है, तो बीम में भी आपका नंबर स्कोर करने का, नंबर प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका है, इसलिए आप मेहनत करें अभी से। और जिग जैग और नाइन फिट, इनका कोई नंबर नहीं होता, आपको क्वालिफाई करने होते हैं। यह है आपका इसका पूरा विवरण। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए इसका जो घंटे वाला बटन है उसको दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर जॉब न्यूज आपको मिल सके। साथ ही एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत आती है भर्ती के दौरान, तो वहाँ पर एक शिकायत कक्ष होता है, तो वहाँ जाकर बैठे एक अधिकारी से आप बात कर सकते हैं और अपनी शिकायत बता सकते हैं, मगर किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें और ना करने की कोशिश करें। इसी साथ में थैंक यू, बाय बाय।